नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। दोपहर के 2 बजे हैं और 2 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल अब 1 अप्रैल से नहीं खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 अप्रैल तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पहले 31 मार्च तक के लिए स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया था। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पूर्व में जारी किए गए निर्देश यथावत रहेंगे। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सिर्फ 31 मार्च तक बंद है। दरअसल 11 अप्रैल से 9वीं और 11वीं के एग्जाम शुरू होने हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल पिछले साल से बंद हैं। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लगातार जारी हैं और वहीं जरूरी शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए थे। लेकिन अभी जो है 1 अप्रैल तक जिस तरीके से स्कूल बंद थे उनको अब स्कूल को बंद रहने का ही आदेश जारी किया है। अब जो है 15 अप्रैल के बाद कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एके मिश्रा हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। मिश्रा जी, लगातार कोरोना वायरस का जो प्रकोप है लगातार कहर बरपा रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश में जो है फिलहाल स्कूलों को खोलने की जो तारीखें थी उसको आगे बढ़ा दिया है। क्या एकमात्र यही विकल्प है कि बच्चों की जो स्कूल है उनको आगे और से बढ़ाता जाए, बच्चे स्कूल ना जा पाए, एकमात्र विकल्प लगता है आपको? जी देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी जिसमें कि खैर ठीक है टीके हम लोगों ने बना लिए हैं लेकिन अभी सभी तक पहुंचे नहीं है, और जो हमारे बच्चे हैं जो नौनिहाल हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं क्योंकि एज उतनी मैच्योर होती नहीं है। तो एक कहावत है ना कि जैसे कि अगर आपकी जान बच गई तो सब कुछ जो है आप भला तो जग भला, कोई ऑप्शन नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा के सामने जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं आता है, बचाव ही इसका जो है एक सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा मेडिसिन है। तो सरकार का ये डिसीजन स्वागत योग्य कदम है, प्रिकॉशन लेना ही सबसे बड़ा मेडिसिन है यहाँ पे, और उसमें भी छोटे बच्चों को जैसे 8वीं तक का है कि 1 से लेकर के 8वीं तक का, ये बड़ा सराहनीय और जरूरी कदम है सरकार का। यूपी में भी कुछ ऐसे ही खबरें आ रही हैं क्योंकि एक तो भीड़ बच्चों की बहुत होती है और जहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं जो सुरक्षा के जो मानक है कि शेक हैंड वगैरह नहीं करना वो टूट ही जाते हैं, बच्चे उतने जो है स्ट्रिक्ट वे में गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर स्कूल सारे के सारे ओपन हो जाए, तो संक्रमण बहुत तेजी से होगा। और अगर संक्रमण हुआ तो फिर वो संक्रमण बच्चों के घरों तक पहुंचेगा, घरों से पूरी सोसाइटी या एक एरिया बहुत तेजी से संक्रमित हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है जब तक कि प्रॉपर मेडिकेशन या वैक्सीनेशन लगभग एक मिनिमम जो है क्वांटिटी तक लोगों का अपने देश में एक जनसंख्या तक एक मिनिमम एक जनसंख्या की डेंसिटी को कवर नहीं कर लिया जाता है और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मिश्रा जी, एक तरीके से बच्चों का भविष्य जो है वो भी अंधकार में जा रहा है क्योंकि इससे जो है एग्जाम्स पर भी असर पड़ रहा है। और अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पिछले साल से ही 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो अभी भी बंद हैं। देखिए, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और यह बोलना कि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, ये एक टेम्परेटिव एनालिसिस करिए। कोई बच्चा बीमार हो जाए और उसको कोई सीरियस नुकसान हो जाए तो वो ज्यादा अंधकार में होगा या बच्चों को घर से पढ़ा लें या ऑनलाइन? देखिए, पढ़ाई के लिए कोई ना कोई ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत गुणवत्ता में क्वालिटी में कमी आ सकती है ऑनलाइन पढ़ाई में, 100% उतना इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है लेकिन उस कमी को भी पूरा करने का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा या एक पर्टिकुलर मोहल्ला या एरिया इन्फेक्टेड हो गया और वहां पे सीरियस जो है उसकी लाइफ को थ्रेट हो गया तो वो ज्यादा अंधकार में है। तो दो अंधकार में एरिया आपके पास है, वो आप सुन लीजिए कि जो एकदम से ही अंधकार में है वो वाला एरिया ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं जिसमें, या दूसरा जिसमें थोड़ा सा अंधकार है बाकी प्रकाश ही प्रकाश है।
लेकिन मिश्रा जी, यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में तमाम केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में सरकार विफल क्यों हो पा रही है? वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है, ऐसे में सरकार विफल क्यों हो पा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है कई जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन चुकी है और नाइट कर्फ्यू भी लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, एमपी, सूरत वगैरह और बॉम्बे, महाराष्ट्र वगैरह से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं, मानव कई बार बहुत बेबस हो जाता है। इसके पहले भी बहुत तरीके की महामारियां आई थी, तो ये केवल सरकार की विफलता का सवाल नहीं है। आप इसको ऐसे बोलिए कि पूरी मानव सभ्यता या पूरी साइंस क्यों विफल हो गई। यहाँ पे सरकार और राजनीति का मतलब, अगर आप सरकार शब्द यूज करती हैं तो वो राजनीति हो जाती है। आप ये बोलिए कि सभ्यता का जो विकास हुआ है, पूरी मानव सभ्यता क्यों फेल हो गई, विफल हो गई, पूरा विज्ञान क्यों फेल हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक लेवल की जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तक के जो है लेवल पे आज का जो है विज्ञान पहुंच गया है, इतना विकास हुआ है लेकिन फेल हो गया है। अब उसके पीछे रीजन है क्यों फेल हो गया है। हमेशा अनसीन कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसका जो पहली बार होती है मानव के समक्ष, मानव सभ्यता या विज्ञान के समक्ष। अब उसको समझने में, घटनाओं को समझने में उसके पूरे मैकेनिज्म को समझा जाता है, फिर सोल्यूशन निकाला जाता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। मानव सभ्यता अपने आप में बहुत मेहनत कर रही है इस चुनौती से लड़ने के लिए। मैं फिर ध्यान दीजिएगा, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी मानव सभ्यता की बात कर रहा हूँ, पूरे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों या विज्ञान की बात कर रहा हूँ। वो भरसक कोशिश कर रहे हैं लेकिन चूंकि ये अननोन फैक्टर होता है तो उसको समझने में टाइम लगता है। अब कितना टाइम लगेगा ये एक डिफरेंट चीज है। कई बार ऐसे हुए हैं, कुछ जो पहले शुरू में जो चेचक वगैरह के टीके हुए, आप देखिए पीढ़ियां गुजर गई टीके डेवलप करने में, जब आज हमें वो बहुत आसान लगती हैं वो बीमारियां, लेकिन उसके पीछे जो मानव सभ्यता ने खोज की, जो मेहनत की, वो बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत टीडियस, बहुत मेहनत वाला काम था। लोगों ने जान जोखिम में डाल के डॉक्टरों ने विकसित किए। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी रिजल्ट पॉजिटिव है। टीके हम लोगों ने डेवलप किए हैं और एडवांस लेवल के भी डेवलप होंगे, कॉमर्शियल लेवल पे डेवलप होंगे। एक दिन वो भी आएगा कि हर दुकान पे इसकी दवाइयां अवेलेबल रहेंगी और ये चीजें वैसे ही सामान्य हो जाएंगी जैसे कि एक नॉर्मल सर्दी, जुकाम या खांसी होता है कि कोई भी आदमी जाके अपने आप से दवा ले लेता है। ऐसी मेरी कामना है और मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये राजनीति की बात नहीं है, ये बीजेपी या कांग्रेस या अमेरिका या इंग्लैंड के सरकार के फेल्योर की बात नहीं है। अगर ये फेल्योर है तो मानव सभ्यता का है, और इस पे अगर हम जीत हासिल करते हैं तो विजय भी मानव सभ्यता की होगी। बिल्कुल, और सरकार और प्रशासन के साथ साथ जिम्मेदारी भी आम जनता की ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एके मिश्रा जी, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस मुद्दे पर करने के लिए।